करते हैं तो भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। गुरु को प्रणाम करते हैं। अज्ञान तिम्रानंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चकुर चतु चकुर मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णु पादाय कृष्ण भूत कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते नमोस्तुते। आइए आज का जो ओरिएंटेशन डे है फर्स्ट डे है उसके बारे में आज हम आपको जो हमने स्लाइड बना रखी है उसको वन बाय वन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि आपको पता लगे कि इस्कॉन क्या है, इस्कॉन को चलाने वाले कौन है, कैसे ये इस्कॉन शुरू हुआ उसके बारे में। फिर हमारा जो मैंगलुरु वाला जो इस्कॉन का मंदिर है उन्होंने कैसे ये प्रोग्राम शुरू किए। इस्कॉन मैंगलुरु पिछले 1.5 साल से भगवत गीता के बारे में लोगों को जानकारी दे रहा है ऑनलाइन के माध्यम से, तथा आज जो है वो 22वां बैच शुरू हो रहा है। जो ऑनलाइन के बैचेस शुरू हुए हैं पिछले 1.5 साल में 21 बैच खत्म हो चुके हैं और आज जो प्रोग्राम है ये 22वां बैच है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि 11 अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग टाइमिंग्स पे हम ये प्रोग्राम दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। इवन बच्चों के लिए भी अलग अलग कोर्सेज हैं। आज ओरिएंटेशन डे है उसी के लिए हम ये लेवल 1 का कोर्स बड़ी स्पीड से, बड़ी हाई स्पीड से चलने वाला कोर्स है ये। आप समझिए इसको कि 18 दिनों में 18 अध्याय हम भगवत गीता के कदम करने वाले हैं, उनको शुरू करके उनके बारे में समझने वाले हैं। ठीक है कि हम थोड़ा सा जो चीजें बताएंगे वो ऊपर ऊपर की चीजें बताएंगे ताकि ज्यादा डिटेल में अभी समझ में नहीं आएंगी। सभी लोग अपने पास भगवत गीता की किताब रखें तथा उससे पढ़ने का प्रयास करते रहें ताकि हम इस कोर्स का जो हम ये 18 दिन का प्रोग्राम बना रहे हैं इसका लाभ सभी लोग ले सकें। अपने पास एक डायरी और पेन जरूर रखें ताकि आप नोट कर सकें तथा इस कोर्स का पूरा लाभ ले सकें। आइए हम स्लाइड वाइज शुरू करते हैं। ये जो हमारा जो कोर्स शुरू हो रहा है उसमें ये 12 टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं अलग अलग स्लाइड्स के जरिए। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देते हैं, आपको परिचय देते हैं इनका। आप ये देखिए, ये प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी ने ये जो इस्कॉन वाला जो शुरू किया था इन्होंने ही, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के ये संस्थापक हैं और इन्होंने ही 1966 में इस्कॉन की स्थापना की। भक्ति वेदांत स्वामी इनको इनको जब उन्होंने दीक्षा प्रदान ले ली तो उनको भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के नाम से जाना गया। जुलाई 1966 में अंतर्राष्ट्रीय आचार्य, ये जो इस्कॉन की जो स्थापना हुई सन 1966 में हुई और आज की डेट में आप
हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट में हैं। प्रभु जी सभी को म्यूट कर दिया है। हरे कृष्णा। ज्योति माता जी या फिर आम्रपाली माता जी, आप लोग सबको म्यूट कर दीजिए और ऑप्शन होगा कि पार्टिसिपेंट्स कैन म्यूट अनम्यूट देमसेल्फ, वो वाला ऑप्शन आप ऑफ कर दीजिए। जी माता जी। राजन प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है जी। हाँ जी जी, थोड़ा सा हम प्रभुपाद के बारे में जानते हैं। श्री प्रभुपाद जी का जन्म अभय चरण डे के नाम से 1 सितंबर 1896 में कोलकाता में हुआ था। उनके पिता थे गौर मोहन डे, वो एक व्यापारी थे, और उनकी माता का नाम था रजनी। गौर मोहन डे शुद्ध वैष्णव थे तथा उन्होंने अपने पुत्र का जो पालन पोषण किया था ना, वो भी उसी हिसाब से कि कृष्ण भक्त बनने के लिए ही किया था उन्होंने। उनकी पत्नी का नाम राधा रानी था, और मोहनदास करमचंद गांधी में वो बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे और बहुत रुचि थी उनके साथ। 1922 में क्या हुआ, उन्होंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को अपना, उनसे मुलाकात हुई और उनको अपना गुरु मान लिया। लेकिन अपने व्यापार के सिलसिले में वो 1933 में इलाहाबाद आ गए, और इलाहाबाद में जब वो उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ली, जब दीक्षा ली तो उन्होंने अभय चरण जो उनका नाम था, तब से वो उनका नाम भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद पड़ गया। लेकिन 1936 में क्या हुआ, उनके गुरु का देहांत हो गया। प्रभु जी को इंग्लिश बहुत अच्छी से आती थी, इसलिए उनके गुरु जी ने उन्हें कहा था कि आप जो ये लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज का फायदा उठाएं और बाहर के देशों में, पश्चिम देशों में इसका प्रचार करें, क्योंकि आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको लोग ज्यादा सुनेंगे और आप इसको अच्छी तरह से, जो भगवान का जो कृष्ण भावना मृत है उसको अच्छी तरह से आप फैला सकेंगे। 1936 में उन्होंने एक किताब लिखी, पहली किताब थी उनकी, उस किताब का नाम था बैक टू गॉड हेड, मतलब वापस, हम जब भगवान के पास जब वापस जाएं, तो वो उसके बारे में उस किताब में लिखा हुआ है। और जब इन्होंने ये किताब अपनी पूरी कर ली तो फिर उन्होंने गृहस्थ जीवन से, 54 साल की उम्र में गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लिया, ताकि वो इन सारे कामों में अपना टाइम लगा सकें। प्रभुपाद जी ने फिर वृंदावन धाम की यात्रा की, जहां वो राधा दामोदर मंदिर में रुके, काफी समय तक वहां रहे, वहां वे गंभीर अध्ययन व लेखन में संलग्न रहे। श्री प्रभुपाद ने राधा दामोदर मंदिर में अपने जीवन का सबसे श्रेष्ठ व महत्वपूर्ण ग्रंथ का आरंभ किया। ये ग्रंथ था 18,000 श्लोक जो श्रीमद् भागवत पुराण के हैं, अनेक खंडों में उनका वो उन्होंने अनुवाद किया और व्याख्या की। अब जब ये सारे काम पूरे हो गए तो उन्होंने अपने जो गुरु को उन्होंने अपनी एक, उनको कहा था कि मैं बाहर जाकर इस जो इनको फैलाऊंगा, भगवान कृष्ण के नाम का अधिक से अधिक प्रचार करूंगा। तो 1965 में उनके पास में पैसों का कोई भी इंतजाम नहीं था, फिर भी 1965 में वो एक मालवाहक जहाज जिसका नाम जलदूत था, उसमें बैठकर 35 दिन के अंदर वो न्यूयॉर्क पहुंच गए। आप देखो, उस 35 दिन के अंदर उनको 2 बार हार्ट अटैक आया, और उनकी उम्र भी अब अंदाजन 60 साल की थी, लेकिन उन्होंने उस सब की परवाह ना करते हुए ये अपने न्यूयॉर्क के लिए चल दिए, और सारे चीजों को उन्होंने भगवान के नाम को न्यूयॉर्क में जाकर बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लोगों को समझाया। और 1966 में 1 साल मेहनत करने के बाद में 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। जैसे मैंने अभी बताया आपको, अंदाजन 800 मंदिर हैं, विद्यालय हैं, एक विद्यालय और एक इन सबका एक समूह है, जो कि हम आज प्रभुपाद जी जो इन्होंने उनकी वजह से जो उन्होंने अपने जीवन में काल में ही 100 से ऊपर मंदिर बना लिए थे, और आज की डेट में ये 800 के करीब हो गए हैं। 1977 में उनका निधन हो गया, और तब से ये संस्था बहुत
अच्छे से चल रही है और जो हम आज की डेट में आप सब लोग भगवान के कार्य के लिए जुड़े हुए हैं, भगवत गीता को समझने के लिए जुड़े हुए हैं, वो सब उन्हीं की बदौलत है। और उनका मुख्य जो योगदान रहा वो उनकी पुस्तकें रही जो उन्होंने बहुत अलग अलग लैंग्वेज में सभी के लिए बनाई, उन्होंने सभी के लाभ के लिए दी सबको। अब ये देखिए, ये उनका प्रभुपाद जी का ये है, उनका जो एक रथ यात्रा का आपने सुना होगा, पुरी में रथ यात्रा होती है, तो रथ यात्रा में उनका बचपन से ही बड़ा शौक था। उनके पिताजी ने उन्हें एक रथ खरीद कर दिया था और तब से वो पुरी में रथ यात्रा का उन्होंने शुरुआत करी। और ये उनका एक फोटो है, अब ये देखिए अलग अलग फोटो हैं, ये वही है रथ यात्रा की फोटो है, ये उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा लेते हुए उनकी ये फोटो है, ये उनके गुरु थे, प्रभु जी के गुरु थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी। ये प्रभु ये उन्होंने अलग अलग जगह जाकर जो प्रेर अपने कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए जो उन्होंने आगे आगे लेक्चर्स दिए, ये सब उनका वो है, ये प्रचार करते हुए प्रभु जी हैं। ये 1965 में जलदूत नामक जहाज ये था, जिसके जो सामान वाहक जहाज था, मतलब सामान ले जाने वाला जहाज था, वो पैसेंजर नहीं लेके जाता था, लेकिन उनके पास में क्योंकि पैसों का जुगाड़ नहीं था तो उनके कोई दोस्त थे, उन्होंने इसमें उनके लिए जगह अरेंज कर दी, तो वो उसमें बैठकर गए। ये पार्क में देखिए कीर्तन करते हुए, बाहर के देशों में उन्होंने बहुत जगह उन्होंने ये गीता का उपदेश दिया और लोगों को गीता से जोड़ने का प्रयास किया। एक साल में ही इस्कॉन की स्थापना कर दी उन्होंने। अमेरिका के मेयर थे जो, वो उनसे मिलने आए, उनका नाम इतना अच्छा बन गया था वहां पे, लोग उनसे जुड़ने लगे थे। एक्चुअली जिन दिनों वो अमेरिका गए थे उन दिनों वहां पर बहुत अनरेस्ट था, बहुत लोग जो आपने सुना होगा हिप्पी कल्चर के लोग थे ना, वो सड़कों पर बहुत उत्पात मचाया करते थे। वो हिप्पी कल्चर के लोग इनके साथ जुड़े, पहले तो उन्होंने इनको तंग भी किया, लेकिन धीरे धीरे वो इनके अनुयायी बन गए और इसकी वजह से वहां की जो अमेरिका की गवर्नमेंट थी वो इनका बहुत साथ देने लगी और इसलिए वहां का मेयर इनसे मिलने के लिए आया। अभी देखिए पहली किताब जो उनकी छपी थी, बैक टू गॉड हेड, भगवान तक कैसे पहुंचे, ये उन्होंने पहली किताब जो उन्होंने लिखी वो ये थी। ये अलग अलग लैंग्वेज में प्रभुपाद जी की जो बुक्स भी लिखी, जो भागवतम को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और चेतनामृत को भी उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, तो ये सारे कार्य उन्होंने अपने जीवन में किए हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये इस्कॉन मैंगलुरु का विग्रह है, भगवान कृष्ण का और राधा रानी जी का। प्रभुपाद जी की बदौलत ही ये चीजें हम आज देख पा रहे हैं। अब ये देखिए ये जो चित्र है ये है प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में, ये प्रभुपाद जी का इस्कॉन का जो मंदिर बना हुआ है उसकी झलक है। ये भक्ति वेदांत मैनव ये यूके में जो बना हुआ उसकी झलक है। ये रशिया में यूक्रेन में जो फेस्टिवल हुआ, कितने लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, इतने लोग मानने लगे थे, ये सब के सब उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं। अब ये देखिए डरबन में साउथ अफ्रीका में ये जो इस्कॉन का मंदिर बना हुआ है, ये कोलकाता में मायापुर जगह है जहां पे अभी मंदिर कंस्ट्रक्शन में है, काफी कुछ बन गया है। ये वो वाला मंदिर है, काफी अच्छा मंदिर है ये वाला और काफी मान्यता प्राप्त मंदिर है। जय पताका स्वामी महाराज जी इस मंदिर के वहां के मायापुर के अध्यक्ष हैं। ये प्रभुपाद जी की टाइम लाइन है कि उन्होंने 12-13 साल 1965 से 1977 तक जो उन्होंने विजिट किया, सब लोग अपनी अपनी बाहर के देशों में अलग अलग देशों में उन्होंने बहुत भगवान कृष्ण को उन्होंने बहुत नाम दिलाया। ये प्रभुपाद जी की मूर्ति है और वही सेम वहां का मंदिर है, मंदिर के विग्रह हैं। ये देखिए ये हैं हमारे श्री
नाम निष्ठा दास प्रभु जी, ये हम सबके गुरु हैं। इन्होंने ही मेंगलुरु में जो इस्कॉन का टेंपल है वो उसके अध्यक्ष हैं। ये इनके बारे में देखो, ये बीटेक हैं आईआईटी कानपुर से, और उन्होंने सब कुछ जॉब करते हुए, प्रोफेसर थे किसी कॉलेज में, वहां से जॉब करते हुए उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने इस मंदिर के लिए उन्होंने सब कुछ अपना निशावर कर दिया, और वो अभी तक इसी काम में लगे हुए हैं। बिल्कुल एकदम यही काम करते हैं वो, और उनकी बदौलत ही आप सब लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। एक्चुअली जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था तब तक इस्कॉन मैंगलुरु का इतना नाम नहीं था, लेकिन लॉकडाउन में इतना ज्यादा उनके दिमाग में जो कुछ आया, उन्होंने ये ऑनलाइन कोर्स चालू करके लाखों लोगों को फायदा दिया। लाखों लोग आज गीता का कोर्स कर रहे हैं, 18 दिन वाला कर रहे हैं, और फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, जिसकी हम आगे जाके चर्चा करेंगे, बहुत से लोगों को इन्होंने जोड़ा। बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया। इन्होंने हम सब भगवान को जो जान पा रहे हैं सब इनकी बदौलत ही कर पा रहे हैं। हाँ जी, ये देखिए भगवत गीता क्या है। भगवत गीता के बारे में अगर कोई जानना चाहता है तो उसके बारे में महात्मा गांधी जी ने लिखा था, भगवत गीता एक महाकाव्य है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। ये महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था, और ये पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की किताब है, प्रेरणा की पुस्तक है। बहुत लोग, आपने भी सुना होगा, बहुत लोगों ने इसके बारे में टिप्पणी करी, और बहुत साइंटिस्ट लोग भी जब कोई काम करते थे तो कोई दिक्कत आती थी, इवन अमेरिका के बहुत से राष्ट्रपतियों के बारे में सुना है कि जब भी कोई उनको दिक्कत आती थी वो भगवद गीता को पढ़ते थे। महात्मा गांधी जी ने लिखा, जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा में आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे। आइंस्टीन, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ईजाद करी थी, साइंटिस्ट हैं ये, आपने सबने नाम सुना होगा, उन्होंने कहा जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है जो इतना शानदार है, ये उनके वर्ड्स हैं। हाँ जी, अब जो अगली बात पर चलते हैं कि भगवत गीता को, कौन सी भगवत गीता को पढ़ा जाए। एक्चुअली क्या है, भगवत गीता इस्कॉन वालों की भी है और मार्केट में और कई लोगों की है, जैसे गीता प्रेस वालों की भी है, और भी कई सारी बुक्स हैं। जो इस्कॉन की भगवत गीता है ना, वो यथारूप है। यथारूप मतलब जैसा भगवान जी, एक्चुअली गीता को क्या कह सकते हैं कि गीता एक भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। भगवान ने जो कहा है वो इसमें लिखा हुआ है। अब जो कहा है वो श्लोकों में कहा हुआ है, वो श्लोक तो सभी जगह एक जैसे मिल जाएंगे, लेकिन उसको आगे बताना, उसको आगे ट्रांसलेट करना या उनका आगे मतलब निकालना, वो सब अपनी अपनी समझ के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ जो बात कही गई है, भगवान जी ने भी गीता में ये बात कही है कि जब हम गीता जी को पढ़ें या उसके अनुवाद करें तो ऐसे लोगों के साथ मिलकर वो करनी चाहिए जो ऑलरेडी इस काम में जुड़े हुए हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो भगवान को मानते हैं, ना कि वो लोग जो खाली प्रोफेशन के लिए भगवत गीता का लेक्चर देते हैं। उनसे अगर जुड़ोगे तो वो अपने फायदे के लिए या कुछ और चीजों के लिए उस चीजों का मतलब कुछ का कुछ कर सकते हैं। इस कौन वाली जो बुक है वो बिल्कुल एज इट इज उसका मतलब दिया हुआ है, क्योंकि भगवान अपने प्रभुपाद जी तो बिल्कुल गीता जी से एकदम जुड़े हुए थे और भगवान से बिल्कुल उनके तार से तार मिले हुए थे, तो उन्होंने वो सब बातें इसमें लिखी हैं, उनका प्रपोर्ट या कह लो या जो उसका उन्होंने हर श्लोक का जो मतलब निकाला और उसके बारे में जो डिटेल में बताया, तो वो बिल्कुल अच्छी से लिखा हुआ है। आपने अगर कोई किताब किस्कॉन की देखी हो, भगवत गीता देखी हो, तो उसमें पहले श्लोक लिखा हुआ है, फिर एक एक अक्षर का मिलाकर उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है, क्योंकि आज की डेट में उस, क्योंकि श्लोक तो सारे संस्कृत में है और संस्कृत भाषा में जब हम लिखते हैं तो जोड़ जोड़ कर लिखते हैं, तो वो सबके बस की नहीं है कि वो जिसको संस्कृत नहीं आती उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो इस्कॉन की बुक है उसको उन्होंने दो दो तीन तीन वर्ड्स को जोड़कर उनका अलग अलग मतलब मिलाकर फिर एक्सप्लेन किया है। उससे क्या होता है कि पढ़ने में आसानी भी होती है, मतलब भी समझ में आता है हम क्या पढ़ रहे हैं और उसका टोटल मीनिंग क्या निकलता है। उस मीनिंग को उन्होंने उसके नीचे लिखा और उसके बाद
उन्होंने पूरी की पूरी उसमें डिटेल लिखी कि ये श्लोक डिटेल में क्या कह रहा है, इसका आगे का क्या मतलब था, पीछे का क्या मतलब है, या पूरे चैप्टर्स में वो क्या क्या चीज बताना चाह रहे हैं। तो ये जैसे जैसे आप, मैं लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा आपको, जैसे पावर बैंक है, पावर बैंक आपने देखा ना, मोबाइल चार्ज करते हो, पावर बैंक को अगर हम भगवान मान लें तो जो जो उसकी जो वो है ना डाटा केबल, डाटा केबल को गुरु मानना चाहिए। अगर वो डाटा केबल खराब होगी तो आप तक वो संदेश पहुंच नहीं पाएगा, या टूटा टूटा संदेश पहुंचेगा, या पूरी तरह से संदेश पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए जो गीता जी को है आप अध्ययन करें एज इट इज वाले रूप में, और ऐसी किताब को अध्ययन करें जो कि बिल्कुल यथा रूप हो, और उसका जो मतलब निकाला हुआ हो बिना किसी मतलब जिसका कोई अलग से मतलब हो, ऐसा कुछ नहीं, अपने पर्पस के लिए ना निकाला हो, एज इट इज जैसा भगवान ने कहा उसका मतलब निकाला हो। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप इस कौन वाली भगवद गीता को पढ़ें और उसी को समझने का प्रयास करें। ये गीता के बारे में हम जो कोर्स करने जा रहे हैं, गीता एक विशाल ग्रंथ है, गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग एक वर्ष लगेगा अगर हम गीता को, क्योंकि गीता जी में 700 श्लोक्स हैं, 18 चैप्टर्स हैं, और उन 18 चैप्टर में 700 श्लोक्स हैं, 700 श्लोक्स को पढ़ना, पढ़कर उसका डिटेल में मतलब समझना, मतलब समझ के, क्योंकि ये बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, और मतलब उसको पढ़कर उसका मतलब समझना और फिर एक दूसरे से रिलेट करना, जितनी बार आप गीता जी पढ़ेंगे उतनी बार उसका मतलब अलग अलग निकलेगा। तो ये लगभग एक साल तक अध्ययन करते रहेंगे तब आप गीता जी को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि 18 दिन में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए कृष्ण और अर्जुन के बीच के विचारों पर जो प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पे उद्देश्य है गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। आप फर्स्ट लेवल पर जाके पहले गीता में आपका इंटरेस्ट जगे, उसको पढ़ने का मन करे, फिर एक एक चैप्टर एक एक श्लोक को पढ़े, वो उस सब चीजों के लिए आपको तैयार करना हमारा यहाँ पे उद्देश्य है। अभी जो श्लोक जो इसका कोर्स है 18 दिन का, उसकी ये डिटेलिंग है, 1 घंटे की यहाँ प्रतिदिन क्लास होगी, 1 चैप्टर के ऊपर वो क्लास होगी, और उसमें जो की एस्पेक्ट्स हैं अध्याय के मुख्य बिंदु हैं उन पर, उनको डिटेल में कोशिश करेंगे, उनको जिस जितना डिटेल में बता सकते हैं, मतलब उतना डिटेल तो नहीं होगा लेकिन जितना उन श्लोकों को थोड़ा सा डिटेल में बताया जाएगा। फिर आपके ये पूरा क्लास होने के बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जो आपको कुछ मन में कुछ क्वेरी रह जाती है, कुछ बात रह जाती है, तो उनको हल करने की कोशिश की जाएगी, और एक क्विज है जो आप दिन के प्रोग्राम के बाद में आपको वो एक वेबसाइट पर जाकर वहां पे इनका डेली क्विज का आंसर भी कर सकते हैं, वहां पे आपको क्विज पे एनरोल करना पड़ेगा। तो ये हमारा इसमें कोर्स है। ये जैसे मैं अभी बात कर रहा था, आपका अलग अलग लेवल्स है, अभी आप लेवल 1 पे हैं, लेवल 1 के कंप्लीट करने के बाद आप लेवल 2 पर पहुंचेंगे, लेवल 2 पर पहुंचने के लिए आपको कुछ 2-3-4 कंडीशंस भी हैं, कौन कौन सी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, फिर लेवल 2 के बाद में फिर आप लेवल 3 पर पहुंचेंगे। तो ये सब एक प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे जब आप इससे जुड़ेंगे तो आपको अपने आप मालूम पड़ेगी। और अभी आप एस्पायरेंट्स हैं, मतलब आप बनना चाहते हैं कुछ भगवान से या गुरु जी से दीक्षा लेना चाहते हैं, वो दीक्षा का भी सिस्टम है, लेकिन उसके लिए बहुत से बाद में लेवल आएगा, जब आप लेवल 2-3 पर पहुंच जाएंगे तब इसके बाद में हम तब बात करेंगे। ये वही स्टेप्स को यहाँ डिटेल में बताया गया है। अब ये टेक्स्ट बुक्स जो हमारे पास हैं उनके बारे में हम यहाँ डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या टेक्स्ट बुक्स हैं। ई बुक जो है वो हमारी फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो फ्री है, लेकिन जो बाकी किताबें हैं जैसे भगवद गीता हो गया, और ये जो सेल्फ रियलाइजेशन किताब है और परफेक्ट क्वेश्चन आंसर वाली किताब है, ये सब किताबों का सेट इंक्लूडिंग साथ में आपके जो वो आपको जो माला और जप करने वाला सामान है वो आपको 600 रुपीज में, मतलब 3 बुक्स फ्री गिफ्ट ऑफ जप माला विद बैग, ये 600 रुपीज में आप जिसको लेना है वो ले सकता है। अगर किसी के पास है तो कोई जरूरत नहीं है, वो उसको यूज कर सकता है और उसमें अपने नोट्स वगैरह लिख के उसको समझने की कोशिश कर सकता है।
आगे जाकर आपको कोई लेना है तो, बट हम ये रिकमेंड जरूर करते हैं कि आपके पास में किताब एक जरूर होनी चाहिए, ताकि आप आपकी सीरियसनेस समझ में आएगी कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने 18 दिन पढ़ा और उसको भूल गए, फिर तो ये कोर्स करने का इतना लंबा चौड़ा फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। आपको किताब 18 दिन का कोर्स करने के बाद में आपके मन में कुछ जिज्ञासा जागेगी, वो जिज्ञासा के लिए आप कुछ और किताबें पढ़ना चाहेंगे, कुछ श्लोक पढ़ना चाहेंगे, आगे डिटेल में किससे बात करना चाहेंगे, वो सब चीजें आपको किताब के बेसिस पे ही मिल पाएंगी। ये विग्रह है राधा गोविंद भगवान जी का और राधा जी का, मंदिर का ही है। ये व्हाट्सएप ग्रुप में आप इंक्लूड हुए हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप का तो सबको पता ही है कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं व्हाट्सएप कोड में, सबको इसमें कुछ जरूरत नहीं है, मतलब उल्टे उल्टे मैसेज ना डालें उनमें, जो इससे रिलेटेड है वही डालने हैं। टीचर्स की इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं, ये मेरे बारे में है, मेरा नाम राजन गुप्ता है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे, मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस करता हूँ, दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं आपसे, मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, और मैं इसके अलावा पिछले 25 सालों से फ्री योगा टीचिंग्स करता हूँ। जो जो मेरे को होस्ट हैं, अमरपाली चौधरी जी मेरे को होस्ट हैं, मास्टर ऑफ साइंस में उन्होंने उनकी क्वालिफिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 1 साल का एक्सपीरियंस है, सेल्स कोऑर्डिनेटर है, और वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में से बिलोंग करते हैं, वहाँ हैं वो, और आध्यात्मिक रूप से नामानाश्चादास प्रभु जी से उनके आशीर्वाद लेने के हिसाब से वो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। वो वॉस्ट मेरे पास में जो दूसरी डिटेल है वो कृष्णा नेगी माता जी की हैं, जो कि एक अभी कॉलेज स्टूडेंट ही हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं वो, और उन्होंने भी जैसे आपने किया, उन्होंने जुलाई 2021 में 18 दिन का कोर्स किया था, उसके बाद में फिर लेवल 2 पे आई है, फिर अब लेवल 3 में काम कर रही हैं, ताकि वो गीता जी को और अच्छे से जान सकें, ये उनका ध्येय है। अब ये कुछ जो लोगों ने 18 दिन का कोर्स किया, उन्होंने इस कोर्स के बारे में क्या बताया, टेस्टिमनी फ्रॉम प्रीवियस स्टूडेंट, जो पहले स्टूडेंट्स रह चुके हैं, उन्होंने इसके बारे में, मीना गौतम जी ने बताया, शुभम माथुर जी ने बताया, ये उनके बारे, उनके जो विचार हैं इसमें वो हमने इस स्लाइड में लिखे हुए हैं, ताकि आप लोग भी एक सीरियस स्टूडेंट्स बनकर इसको और अधिक समझने का प्रयास करें, ताकि जो ये कोर्स चलाया जा रहा है उसका अधिक से अधिक लाभ हो सभी को। प्रश्नों के उत्तर, अब दूसरा जो जूम का डिकोरम है, अगर आप रियली सीरियसली इसको सुनना चाहते हैं, तो ये इस पोज में सीरियसली हर एक को सुनना चाहिए, ना कि इस पोज में। एक्चुअली क्या है, कोई भी काम जब हम आधे मन से करते हैं ना, तो वो इस पोज में करते हैं, और जब आप मन बनाकर किसी भी कार्य को करना शुरू करते हैं, तो आप में सीरियसनेस आती है, आलस खत्म हो जाता है, फिर आप उसको अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये वाले पोज में अगर आप करेंगे, यहाँ टेबल कुर्सी पर नहीं बैठते, तो नीचे आसन लगाकर बैठ कर अगर आप करेंगे, तो आपको करने का ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अब ये क्वेरीज कोई आपकी होंगी बाद में, तो वो हम आप अपने उस पर हमारे टीचर्स को बोल सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आपको हम आपकी क्वेरीज को देंगे। हमारे वॉलंटियर्स हैं चैट सपोर्ट में, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक इस कॉन्टेंट पे हैं, हमारा वेबसाइट का फॉर्म ये है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई भी काम नहीं बना, तो आप नमो इष्टदास प्रभु जी भी, उन्होंने भी अपना ईमेल एड्रेस दे रखा है, आप इस ईमेल एड्रेस पे उनको अपना क्वेरी भेज सकते हैं, ताकि वो आपको उसका जवाब दे सके। हमारा जो लिंक है डोनेशंस के लिंक, इसमें हमने दिए हुए हैं डोनेशंस के लिंक। आज की डेट में बहुत से लोग फर्जी भी मार्केट में मिलते हैं, तो हमारा जो डोनेशन का लिंक है वो सारे इसमें अलग अलग सेवाएं दी हुई हैं। और ये
ऐसे ये वो है आपका स्पैम वार्निंग है, अपने आप को बचाने के लिए आपको 5 टिप्स हैं, वो आप ये देख सकते हैं। हमारा जो एड्रेस है वो ये है, हमारी वेबसाइट वगैरह का सबका यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। ऑफिशियल ईमेल हमारी है, बैंक अकाउंट्स हमारे ये दिए हुए हैं इसमें। ये हमारे YouTube चैनल है, ये हमारा Facebook का पेज है, ये डेली क्विज है। क्विज के लिए आपको जिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है ना, वो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ही इस क्विज में हिस्सा ले सकते हैं। आपको लॉगिन करना पड़ेगा इसके अंदर। लॉगिन जब आप करोगे तो आपको अपने आप ही जो फिर आपने लैंग्वेज आप चेक करोगे, अपने हिसाब से हिंदी चेंज कर दोगे, यहाँ पे हिंदी में रखोगे तो आपको वहाँ पे क्विज मिल जाएंगी। क्विज में 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे हमने उसमें लिखा कि हमारा ईमेल एड्रेस क्या है, हमारा ये सब चीजें, मंदिर कहाँ पे है, किस जगह पे, वो सब चीज मतलब इनिशियली, क्योंकि अभी तो आप गीता के बारे में आज के दिन में कुछ डिटेल मालूम नहीं है, तो वो सब चीजें आप इसको डिटेल में देखकर अपने आप कोशिश कर सकते हैं, और किसी को कुछ दिक्कत आए तो हमें आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। बुक्स परचेज करने के लिए हमारा ये इसमें डिटेल्स दी हुई है। क्विज आपको हर एक को सॉल्व करोगे तो आपको करने का मजा भी आएगा, ताकि आपको लगेगा कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। और क्विज में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, उसमें अगर आप गलत आंसर भी करते हो तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फिर आप उसको रीचेक कर सकते हो। रीचेक करके आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं पहले गलत था, मैं सही हो गया हूं। तो इसे ऑटोमेटिक प्रोसेस कि आपने 4 ऑप्शन में थे, एक ऑप्शन बताया, पता लगा वो गलत है, तो आपको वहीं पे मालूम पड़ जाएगा ये गलत है, फिर आप दूसरी ऑप्शन पे चले जाओ। ऐसे करते करते आपको सही आंसर मालूम पड़ जाएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा आपको उसको देखने को मिलेगा। ये हम गुरु को प्रणाम वाले हम कर चुके हैं। ये संकल्प है, जो लोग जुड़े हुए हैं इस कौन से, या आज अभी आप लोग 18 दिन के लिए जुड़े हुए हो, तो ये एक बहुत ही देखो इतने सारे लोग हैं दुनिया में, उसमें से सिर्फ कितने लोग जुड़े हुए हैं। अगर अगर मैं अपनी साइट पे भी देखूं तो मेरे ख्याल अंदाजन हमारे पास में कम लोग, ये अंदाजन 200-250 लोग करीब जुड़े हुए हैं, 160 लोग जुड़े हुए हैं अभी। अब देखो इतने सारे, और इस बैच में, मेरे वाले बैच में 160 लोग जुड़े हुए हैं। हो सकता है सब कुछ मिल मिलाकर अगर हम 20-22 बैचों को देखें तो हो सकता है हम 10,000-20,000-25,000 लोग जुड़े हुए हों। हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो कितने लोग, इसका मतलब आप अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझे कि आपके मन में कुछ तो आया कि मैं चलो मैं गीता को पढ़ने का प्रयास करता हूँ, या उसको समझने का प्रयास करता हूँ, और भगवान कृष्ण को समझने का प्रयास करता हूँ। तो ये जो आपने मन में जो भावना आई ना, उस भावना को कंटिन्यू रखिए और संकल्प लीजिए कि मैं 18 दिन तक इसको एक करता रहूंगा, चालू रखता रहूंगा, ताकि मैं कुछ समझूं। आइए अपने मन में संकल्प को दोहराइए, मैं संकल्प बोल रहा हूं, आप उसको मन ही मन दोहराइए। मैं संकल्प लेता या लेती हूं कि मैं श्री श्री राधा गोविंद एवं श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद से 18 दिवसीय सत्र को नियमित रूप से एवं पूर्ण श्रद्धा के साथ समझने का प्रयास करूंगा या करूंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी कोशिश करें कि हरे कृष्णा मंत्र का जाप करना शुरू करें,
कम से कम एक माला जब तो सभी लोग शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उनकी जो साधना है ना वो परिपक्व होती जाएगी और आपको हर चीज का आनंद भी आने लगेगा जी। ये हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस की जो आप लोग पूछ सकते हो उनके आंसर्स हमने लिखे हैं। आई हैव रजिस्टर्ड फॉर योर कोर्स एंड इन ए व्हाट्सएप ग्रुप वेयर आई एम नॉट अलाउड टू आस्क एनी क्वेरीज, हाउ डू आई डू इट। तो मतलब आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्लास के बाद में आप मैसेज एडमिन को किसी को मैसेज कर सकते हैं और अपना हैंड रेज करके हमसे वो उसका क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। कोई कहेगा कि मैंने तो सोचा था कि सब चीजें फ्री मिलेंगी, बुक्स वगैरह तो फ्री नहीं मिल सकती क्योंकि बुक्स की बहुत कॉस्ट रहती है, वो हमें भी बहुत कॉस्टली पड़ती है, इसलिए फिर भी बहुत ही रिजनेबल रेट पे हम आपको चीजें दिलवा रहे हैं, मुहैया करवा रहे हैं 600 रुपए में इंक्लूडिंग पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। आप ये एक वीक के अंदर किताबें मंगवा सकते हैं, आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको बुक्स वगैरह हफ्ते भर के अंदर आ जाएंगी। ये इसमें 3 किताबें हैं, ये विग्रह है उनका, फोटो है, ये जप का बैग है और ये जप की माला है। ये 18 दिन का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपको ये सर्टिफिकेट आया, सर्टिफिकेट मिलेगा प्रभु जी का साइन किया हुआ, नमन इष्टदास प्रभु जी का साइन किया हुआ। ये सर्टिफिकेट है ना, ये एक रेकॉग्निशन है मंदिर की तरफ से, एक रेकॉग्निशन है कि आपने जो क्विज कंप्लीट करी, क्विज कंप्लीट करने के बाद में आपने इस 18 दिन का कोर्स कंप्लीट कर लिया। एक हमारे आपके मन में तो सेटिस्फेक्शन है ही है, लेकिन फिर भी एक अगर साथ में लिखा हुआ कोई सर्टिफिकेट मिल जाता है ना तो वो आपको अंदर से विश्वास दिलाता है कि देखो मैंने ये कोर्स किया, फिर मैं इसको आगे से और बढ़ा सकता हूँ। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि पक्का नहीं है कि आपको करना ही करना है, लेकिन आपका मन है तो आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ये आपकी उसके लिए है, प्रेरणा के लिए। जैसे मैंने पहले बताया कि एग्जाम क्या डिफिकल्ट होंगे, कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता, आपको 80% मार्क्स चाहिए, 100 में से 80% मार्क्स चाहिए, ये ज्यादा लगते होंगे, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया उसमें 4 ऑप्शंस होती हैं, अगर आपने उसमें एक ऑप्शन, कोई भी एक ऑप्शन अपने जो आपको सही लगे आपने डाल दी, उसके बाद में अगर वो ऑप्शन गलत है तो आप द्वारा अपने आंसर को चेक कर सकते हैं और ऐसे 80% मार्क्स आप ला सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, कोई आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ही हमने ये एग्जाम रखा था कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। ऑनलाइन कोर्सेज के तो आजकल सब लोग को मालूम पड़ गया कैसे जूम पे या ऑनलाइन कोर्सेज इंटरनेट पे कैसे लेते हैं, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर किसी को दिक्कत लगती है तो हमारे एडमिन वाले आपको इसके बारे में बता देंगे। कुछ लोग कह सकते हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आएगा भगवद गीता का क्या है, मैंने तो कभी अटेंड नहीं करी, लेकिन 18 दिन के कोर्स ऐसा बिगिनर्स के लिए ही डिजाइन किया हुआ है कि जो लोग जिनको जिन्होंने पढ़ी नहीं है उनको पता लगे कि गीता में क्या लिखा हुआ है और कैसे उसका उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो। हम कोशिश करते हैं कि ऐसे पॉइंट्स बताए जाएं जिससे आपको समझ में भी आए और आपका इंटरेस्ट भी बना रहे, तो ऐसी कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है उसको समझने करने में। कोई कह सकता है कि मैंने तो कभी पढ़ी भी नहीं है, अभी तक स्पिरिचुअल की तरफ मैं गया ही नहीं हूं, तो इसमें ये कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप बीच में छोड़ना भी चाहें तो आप अपनी मर्जी से छोड़ भी सकते हैं, लेकिन एक बार संकल्प लेने के बाद में आपने एक अच्छे रास्ते पर चलने का जो एक मन बनाया है उसको कंटिन्यू करें, ये आपके लिए फायदेमंद है और आपका ही भला इससे होना चाहिए। अधिक से अधिक मन शांत होगा, मन शुद्ध होगा, आप अध्यात्म की ओर अग्रसर होना शुरू करेंगे। कोई क्विजेस के बारे में कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको वेबसाइट का ही एड्रेस दिया हुआ है तो आप वेबसाइट पे जाके क्विजेस ले सकते हैं। थैंक यू, आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन था वो आज का यहीं तक था, अभी हम
सबसे क्विजेस जो किसी के क्विजेस हैं तो उनका आंसर देने के लिए तैयार हैं। आप अपने अपने आंसर क्विजेस चैट बॉक्स में डालना शुरू करें ताकि हम हरे कृष्णा अमरपाली जी हरे कृष्णा प्रभु जी अभी है किसी को किसी को कोई सवाल है प्रभु जी से तो आप अपना हैंड रेस कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा हिमांशु पटेल प्रभु जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हिमांशु पटेल जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सुशील प्रभु जी आपका कोई सवाल है तो आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैम जी प्रभु जी हिमांशु प्रभु जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आवाज आ रही है हिमांशु प्रभु जी बता दीजिए जी मैम की प्रोसेस बता दीजिए। राजन प्रभु जी सर आप म्यूट है आप जब हमारी साइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको जो ऊपर जो ऑप्शंस लिखे हुए होते हैं या तो आप कहीं नोट कर लीजिए आप बाद में भूल जाएंगे वहां रजिस्टर लिखा हुआ है क्लिक ऑन रजिस्टर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो उसमें आप चले जाएं वहां पे क्विज लिखा आया था रजिस्टर वाले कॉलम के ऊपर आप जब आप उसको क्लिक करेंगे तो उसमें वहां पे क्विज लिखा हुआ होगा क्विज में करने के बाद में आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लें और फिर उसके बाद लॉग इन कर लीजिए लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को अगर आपने इस कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो पहले आप रजिस्टर करेंगे उसके बाद ही आप उसको वहां जाके लॉग इन कर पाएंगे लॉग इन करने के बाद वो आपके कोर्सेस में चले जाओ और फिर आपको सारी साइट खुल जाएगी और आपको मालूम पड़ जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन है। सर रजिस्टर किस प्रकार करेंगे? हाँ जी रजिस्टर किस प्रकार करेंगे? रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे पहले। नो सर आपने बोला रजिस्टर है तो आप जा सकते हैं और अगर रजिस्टर करना हो तो सर किस प्रकार कर पाएंगे? वो वहीं पे उसी साइट में जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि कैसे रजिस्टर करना है वो पहले आप उसी पे रजिस्टर कर लीजिए आप। जी सर थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी ये उसका आप एड्रेस लिख सकते हैं https://iskonmangaluru.com जो हमारी साइट है ऑफिशियल साइट है। हेलो ये जो आपको ये
जो प्रेजेंटेशन है इसकी इसकी डिटेल भी मिलेंगी आपको, इसमें भी सारी डिटेल्स लिखी होंगी, उसके बेसिस पे आप इसको कॉन्टेक्ट कर सकेंगे। हरे कृष्ण हरेंद्र प्रभु जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरेंद्र प्रभु जी। मैम मेरे कुछ प्रश्न है, मैं पूछ सकता हूँ? जी प्रभु जी, मेरा सवाल है। हेलो जी प्रभु जी, पूछिए जी। मेरा सवाल ये है कि ये जो क्यूज वाला है तो ये कभी भी कर सकते हैं, क्यूज हम लोग दे सकते हैं या फिर कोर्स खत्म होने के बाद ही क्यूज का ऑप्शन मिलेगा? नहीं, वो भी अभी आप जो कर सकते हैं क्योंकि चैप्टर वाइज क्यूज है वो।